हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का वीडियो है, मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मैंने एक दुपट्टे से फेस कवर का वीडियो बनाया हुआ था, वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो एक कमेंट उसी में और आया था कि साड़ी के पल्ले से आप फेस कवर करें और काला चश्मा पहनकर हाथों में पूरे दस्ताने ग्लव्स पहन के दिखाएं। तो मैंने जो मेरे पास था घर पे, मैंने वही यूज किया है। मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदा है क्योंकि ये बच्चों के रखे हुए थे और मैं वीडियो बनाने के लिए ला भी नहीं सकती हूँ ऐसे। और ज़्यादातर मैं बनाती भी नहीं हूँ ऐसी वीडियो, एक दो बार रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने बनाई हैं, ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ ऐसी वीडियो। और साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादातर मैं सूट पहनती हूँ। और ऐसे साफ़ सफाई का काम करने के लिए तो साड़ी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी मैंने सोचा कोशिश करने में क्या है, कर लेती हूँ, धीरे धीरे काम भी कर लूँगी। और फिर मैं पहनने लगी हूँ, यहाँ पे ये मेरे बेटे के दस्ताने हैं और ये हाथों में पहनने वाले, पूरे ग्लव्स नहीं थे मेरे पास, इसके लिए सॉरी। जो मेरे पास था मैं उसी को पहनकर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखो, जब हमको काम करना होता है तो इतनी जल्दीबाजी होती है, पर अभी वीडियो बनाने के चक्कर में एक घंटे की जगह दो घंटे हमारे लग जाते हैं, नहीं तो उसमें फ़ोन पकड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। पर वीडियो भी बनानी है तो फ़ोन पकड़ना होता है। और यहाँ पे मैं पर्दे निकाल रही हूँ खिड़की दरवाजे के, आज हम दोनों जने हैं क्योंकि बड़े बेटे तो चले गए हैं, वो घर में है नहीं। और छोटे बेटे भी कोई काम से बिजी थे, उन्होंने बोला था कि आज वो नहीं करेंगे काम, हम दोनों जने कर रहे थे। छोटा है रूम, कोई नहीं, छोटा है तो इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं था, बस वही, ये मेरे शादी के सोफे हैं। और सब मैं सामान हटा दूँगी यहाँ से, यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं है, बस वही जो थोड़े मोड़े मैंने पेंटिंग वेंटिंग करी थी वही हैं, तो कर लेंगे। थोड़ा ऊँचे में है, ऊँचे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और साड़ी पहनी हुई है, बहुत संभल संभल कर मुझे काम करना पड़ रहा था। और आप मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। आजकल दीपावली की सफाई सभी की चल रही होगी और इतना बिजी हो जाती हूँ मैं आज के, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है। ये देखो, यहाँ पे से मैं सब निकाल के रखूँगी बाहर। और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे जाले साफ़ करने में, और इनको मैंने पकड़ाया था फ़ोन, इन्होंने बोला था काम नहीं करेंगे, बस वीडियो बना देंगे। इससे मैं एक एक छोटी छोटी सी वीडियो हमारी अगर नहीं हो पाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो बनाते बनाते मेरे दो दो फ़ोन हैंग होने लग गए हैं और ख़राब हो गए हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसी समय मेरे फ़ोन बंद हो जाते हैं, भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पंखा साफ, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, जब कहीं पूजा वूजा में जाना होता है या कहीं शादियों में जाना होता है इसलिए तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, ऐसे में बहुत कम पहनती हूँ। और ये है गिफ्ट में दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मेरी शादी की सालगिरह में मेरे देवर हैं, मम्मी ससुर के ससुर जी हैं जो उनके बेटे, वही दिखा रही मैं आप लोगों को। और ये यहाँ पे मैं छोटे छोटे से शो पीस रखे हुए थे मैंने, ज़्यादा नहीं है। और यह है मेरी पेंटिंग, एक समय ऐसा था मैं इतना पेंटिंग का मुझे सुर चढ़ा था कि रात को भी मैं करने बैठ जाती थी, उस समय बच्चे छोटे थे। और इस पेंटिंग को मेरे हो गए हैं 20 साल, और इन पेंटिंगों के साथ मेरी कुछ यादें हैं, इसलिए मैं इनको बहुत संभाल कर रखती हूँ। और ये हैं गणेश जी, ये मेरी है मुंबई की निशानी, मैं मुंबई में रहती थी जिससे मैं उस समय मैं मुझे बहुत पेंटिंग का सुर चढ़ा हुआ था। वैसे मैं करती थी पहले भी, शादी से पहले, लेकिन उस समय भी मैंने फिर साथ वाली सभी बनाती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था, मैंने कहा चलो हम लोग उस समय रात को भी जब दिल करता था रात को भी हम ये बनाने बैठ जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसे टाइम पास करने के लिए कोई फ़ोन वोन भी नहीं होते थे। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये पेंटिंग की है मैंने। वैसे तो मार्केट में एक से एक गणेश जी की मूर्तियाँ और सीनरियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज़ हमने अपने हाथ से बनाई है उसमें कुछ बातें होती हैं, कुछ खास बात होती हैं, उनके साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, उनके अंदर हमारी फीलिंग्स होती हैं जो हम बनाते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं, इसलिए मैंने ये संभाल कर रखी हुई है। मैंने वैसे बनाई बहुत थी,
सब इधर उधर टूट फूट हो गई हैं। और ये देखो मैंने बनाई है रेशम पेंटिंग, डॉल बनाई हुई है मैंने ये। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, आज भी मुझे ये काम आता है, क्योंकि जब हम कुछ काम को दिल से करते हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन अब ये है कि मुझे थोड़ा सा आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है और इतना बिजी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मैं अब नहीं बनाती हूँ ये सब। ये देखो उसके बाद मैं इनको सब साफ़ करके यहाँ पे नीचे टेबल है, टेबल के ऊपर चेयर है, चेयर के ऊपर मैं चढ़ी हूँ और इतना डर लग रहा था कि मैं घबराहट हो रही थी मुझे। तो पहले व्रत रखा हुआ था मैंने, तो उसके वजह से भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये वो मना कर रहे थे कि मत रखो अभी रहने दो। तो मैंने सोचा कि हाथ हाथों अगर काम हो जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर रखना है करके सोचने में रह जाती, क्योंकि रखना मुझे ही होता। यहाँ पे मैं इनको सेट करूँगी अच्छी तरीके से। बस यही है मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम, मेरे लिए बहुत बड़ा है और इसमें मेरे बड़े बेटे सोते थे ज़्यादातर, वही इस रूम में रहते थे, अभी वो नहीं है। तो मेरा पूरा रूम सुना सुना लग रहा है, कोई नहीं, बच्चों को बाहर जाना होता है, बाहर नहीं जाएंगे तो घर में तो उनको जॉब मिलती नहीं है, और बेटा हो चाहे बेटी हो अपने जॉब के लिए उन्हें बाहर जाना ही होता है, घर से बाहर। तो हमको भी अपना दिल पक्का करना होता है, अगर हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे तो बच्चों को फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये देखो यहाँ पे मैं अच्छे से रख दूँगी, मुझे ये सब शौक़ बचपन से ही था, मैं जब छोटी थी मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और ऐसा नहीं अभी नहीं है, अभी भी मुझे बहुत इन चीज़ों का बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई बुनाई करने का। ये देखो यहाँ पे मैंने ये लिए हैं कृष्ण जी, ये मैंने लिए थे 2010 में, कोई भैया आए थे बेचने को तो मैंने उनसे लिए थे ये राधा कृष्ण की मूर्ति। इसके वो 250 रुपये मांग रहे थे, मैंने उनको 120 रुपये दिए और मैंने ये संभाल के रखे हुए हैं आज भी। मैं इनको ऐसे ही साफ़ करते रख देती हूँ, थोड़ा सा इनका कलर निकल गया है, मैं सोच रही हूँ कि अभी इस बार तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, देखूँगी अगले बार अगर हो सकेगा तो इनमें मैं दोबारा से और कलर भर दूँगी। मैं इस समय चाय पी रही हूँ जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सॉरी अगर आवाज़ आ रही होगी तो। और जो पहले वीडियो बनाते समय की जो आवाज़ें हैं मैंने सब म्यूट की है, क्योंकि यहाँ पे बगल में काम चल रहा है, मेरी आवाज़ कम आ रही थी और वो काम की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, ठक ठोक आवाज़ आ रही थी इसमें। और यह है मेरे छोटे बेटे का जब MBA का अभी उनका कुछ हुआ था, क्या कहते हैं फेयरवेल होता क्या होता मुझे पता नहीं, जब कॉलेज हो जाता है पेपर होते हैं सेकेंड ईयर के, उस समय का फ़ोटो है। अब हम दोनों जाने यहाँ पर रख रहे हैं ये शीशे उसे के जो रखने होते हैं बहुत अच्छे से रखने होते हैं, तो मैं ही संभालती हूँ इसको, मैं बच्चों से भी नहीं कहती हूँ इसको रख दो। रखने को तो ये लोग रख देते हैं लेकिन मुझे फिर इनका रखा हुआ अच्छा भी नहीं लगता, मेरा पूरा जो मैं सेट कर रहती हूँ उसका ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं ही रख लूँगी इसको। ये भी मैंने मुंबई में बनाया हुआ था ताजमहल, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथ से बनाते हैं उसमें कुछ खास बात होती है, इसलिए अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सब संभाल दिया है ऊपर, गांव में होते हैं तो बड़े बड़े रूम होते हैं वहाँ पे, अब यहाँ पे जितनी जगह होती है उस हिसाब से हमें रूम बनाने होते हैं, उसी हिसाब से एडजस्ट होना होता है, जो बाहर रहते हैं वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ये देखो अब मैंने यहाँ पे कर लिया है काम, बस अभी खाना बनाना था, सब्जी मैंने बना ली थी, बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, और अपना साथ और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और आज की वीडियो बड़ी हो गई है तो आप ये ना समझें कि वीडियो बड़ी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं ना देखें, बस 2-3 मिनट ज़रूर देख लें, और अगर देखते हैं तो आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।
ये मैंने वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई हुई है, आप लोग समझ सकते हैं। जो कभी साड़ी नहीं पहनते हैं लेडीज़ लोग, उनको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है साड़ी पहनकर सफाई करने में और काम करने में और साथ में फिर वीडियो बनाने में। फिर भी मैंने कहा चलो कर लेती हूँ कोशिश, करने में क्या है, जो मुझसे हो सकता है मैं उसको करने की कोशिश पूरी करती हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा था मेरा यहाँ पे, अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखो, न्यू है तो ज्वाइन ज़रूर करें और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ये देखो मैंने फिर बना दिया, आज रोटी बनाई है, हम दोनों जाने थे खाने वाले और इनको दही दिया है मैंने, और अपने के लिए मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मुझे दही से एलर्जी हो जाती है। और उसके बाद ये देखो मैंने फिर पूरा कमरा अपना अच्छी तरीके से सेट कर दिया था पूरा। ये देखो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आप समझ सकते हैं कि मैंने ये वीडियो में कितना मेहनत किया होगा, और आप लोग जो अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने में देते हैं उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें, जब आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कमेंट ज़रूर करें और न्यू हैं तो ज्वाइन ज़रूर करें, अपना ध्यान रखें और आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड।